हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो फ़ोन जो होता है, जैसे कि फ़ोन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डायल पैड आता है, इसमें आप अपना फ़ोटो कैसे लगा सकते हो। जो आता है ये शुरुआती में जो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट रहता है, इसमें जो आप देख सकते हो बिल्कुल फ़ोटो वोटो नहीं है, तो आप इसमें अपना खुद का फ़ोटो कैसे सेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आपको क्या बताते हैं, स्टेप क्या करना है आपको। तो उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ऐसे वीडियो आप और देख सको। और उसके बाद वो बेल आइकन भी दबा देना। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने गूगल में जाना होगा। और गूगल में आप क्रोम ब्राउजर या किसी ब्राउजर में गूगल में जाकर आपको क्या लिखना है, आपको गूगल में लिखना है माई फोटो। माई फोटो फोन डायलर एपीके लिख देना है, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले वाली वेबसाइट आप देख सकते हो, माय फोटो फोन डायलर फॉर एंड्रॉइड एपीके डाउनलोड एपीके प्योर वाली वेबसाइट है, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, जो रिजल्ट आपके सामने आता है। तो चलिए क्लिक करते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद आपके नीचे डाउनलोड एपीके का ऑप्शन आता है, तो आप करना है डाउनलोड एपीके पर क्लिक करना है। और एप्लीकेशन माय फोटो फोन डायलर, उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड एपीके पे क्लिक करना है। 9.9 MB की एप्लीकेशन है। उसके बाद ओपन होगी वेब, उसके बाद ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो रहा है। नीचे कुछ इस तरह लिखा है, दिस टाइप ऑफ द फाइल, तो इसको ओके पे क्लिक करना है आपको। चलिए ओके पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद इसको डाउनलोड ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पे डाउनलोड, उसके बाद डाउनलोड अगर हो जाइए तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम देखते हैं अब डाउनलोड। तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, तो सबसे पहले जो डाउनलोड हो गया उसके बाद क्या करना है, उसको क्लिक करना है। या तो उसके बाद ये एप्लीकेशन फ़ोन में इंस्टॉल पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन देख सकते हो, आप हमारी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गई। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको क्या करना है वो भी आप देख सकते हो आगे। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है, डन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद इसको आपको ओपन करना है, तो चलिए ओपन करते हैं। उसके बाद अलाउ पर क्लिक कर देना है, फिर अलाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड आएगा, और ऐड को क्या करना है आपको, ऐड को करना है क्लोज। उसके बाद इस कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेटिंग का आइकॉन दिखता होगा नीचे, फ़ोन के पास सेटिंग कुछ चक्रा सा ऐसा दिख रहा हो, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर माय फोटो बैकग्राउंड, उसके बाद क्या इसको है इनेबल करना हो। चलिए इनेबल कर लेते हैं। तो उसके बाद ओपेसिटी आप थोड़ी 50% रख सकते हैं, यानी कि आधी ओपेसिटी आप रख सकते हो। उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी में कर सकते हो आप फोटो सेलेक्ट या कैमरे में, तो हम करते हैं गैलरी में से फोटो सेलेक्ट। तो फोटो सेलेक्ट कर लिया है हमने, उसके बाद इसको क्रॉप कर लीजिए अपने हिसाब से, आपको जो रखना है। उसके बाद यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है, फ़ोटो हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको फ़ोन लगाना है तो जो मतलब हमने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी और जिसमें हमने फ़ोटो जो सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं ये जो डिफ़ॉल्ट डायलर, इसको क्या करेंगे हम, इसको अंदर सेंड कर देंगे। उसके बाद क्या करना, जो वो अभी हमने डाउनलोड किया था उसको यहाँ बाहर ले आएंगे। तो चलिए आते हैं बाहर। तो आप देख सकते हो हमने इसको यहाँ पे जो उसको ऑर्डर दिया और इसको जो है यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर आप किसी को फ़ोन लगाना है तो एप्लीकेशन खोलना है। उसके बाद आप देख सकते हो इसको फ़ोन लगाना है, डायल कर सकते हो इसको इस तरह। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हो, फ़ोन जो है लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट लिस्ट डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दे सकता है। यहाँ पर थीम बदल सकते हो आप, सेटिंग में फ़ोटो बदल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो को दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।